एक कप और वन थर्ड कप उसके साथ मैं डाल रही हूँ वन टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून सॉल्ट छानो साइड पे कर दो वेट इंग्रेडिएंट्स में हाफ कप घी ले रही हूं आप ऑयल ले सकते हो और बटर भी ले सकते हो रूम टेम्परेचर पे लेना कोई मसला नहीं है तीनों में से कुछ भी ले लो ठीक है इसमें जा रहा है एक कप से दो चम्मच कम चीनी थ्री फोर्थ कप मैं डाल रही हूँ शक्कर शक्कर क्यों बोल दिया मैंने चीनी <laughs> और कैस्टर शुगर ले लें ले, पिसी भी ले लें कोई मसला नहीं है अच्छे से बीट करें ये वाइट हो जाएगा ऐसे हैंड हैंडव यूज कर लें कोई मसला नहीं है मिक्स कर लिया अच्छे से तीन अंडे डालने एक एक करके आप डालेंगे तीनों अंडे अब मैं डाल रही हूं दूसरा चलो शाबाश तीसरा गिर गया कोई बात नहीं आप तीनों लें अंडे अच्छे से इसको बीट करें इसका कलर लाइट हो जाएगा इसमें वन टीस्पून जितना मैं डाल रही हूं वेनिला एसेंस मिक्स कर लें एक मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ बटर मिल्क बहुत बार सिखाया हुआ है वन फोर्थ कप मैंने लिया है दूध उसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर हाफ टी स्पून जितना इसका कोई टेस्ट नहीं होता कि स्पंज को सॉफ्ट बनाता है बस आप ड्राई इंग्रीडियन को डालेंगे वेट में उसको फोल्ड करेंगे अपना बटर मिल्क ऐड करते जाएंगे बस ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा पैन में अपना आप बैटर डाल देंगे अच्छे से टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं इसमें से और बेक कर देंगे मैं बेकिंग की सारी टाइमिंग्स भी मेंशन कर रही हूँ परेशान मत होना ठीक है ये देखो ये बहुत अच्छा से बेक हो गया इसको ठंडा होने रख दो तब तक हम क्या करेंगे अपनी हम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे दो चम्मच मैंने पानी लिया हुआ है उसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच भर के कॉफी पाउडर कोई भी ब्रांड ले लो कॉफी का ठीक है लेकिन ये प्लेन कॉफी है कॉफी आपने डालनी है मिक्स करके उसको रख दें अब मैं आपको बटर बता रही हूं ये मैंने रूम टेम्परेचर का नहीं लिया हुआ फ्रिज से निकाला है बटर ये एक ग्राम है वन थर्टी ग्राम और अगर देखा जाए तो हाफ कप से थोड़ा ज्यादा और वन कप से थोड़ा कम ठीक है हाफ कप से ज्यादा ही लेना है आपको उसको डाल लें एक बोल में और उसको बीट करना शुरू कर दें फुल स्पीड पे अच्छे से करें ये और आइसिंग शुगर जाएगी एक कप भर के एक कप भर के आइसिंग शुगर नॉर्मल शुगर नहीं है ये जो हमने कॉफी प्रिपेयर की थी वो डाल दें ये पूरा मिक्सचर जाएगा कॉफी का इसमें और एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा आप चाहें आप इसके साथ कॉफी एसेंस भी डाल सकते हैं वो ऑप्शनल है अगर है तो डालें बस इसको इतना बीट कर लें और ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है इसकी आइसिंग की ना कम है ना ज्यादा बहुत बैलेंस्ड है ये रेडी हो चुका है देखें इसका टेक्सचर देखें आधा मैं टेस्ट कर चुकी थी ये हमारा आ गया स्पंज थोड़ा खेल के दिखा रही थी मैं अब आप इसको स्पंज को निकाल लेंगे मैंने जो है तकरीबन एट इंच के पैन में बनाया हुआ है सेंटर में से मैं इसको कट कर लूंगी मेरे पास जो टूल्स घर में थे ये मैं वो यूज़ कर रही हूँ मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज नहीं किया हुआ है सेंटर से कट करके अब मैं क्या करूंगी उसको अच्छे से फ्रॉस्टिंग ऐसी करना शुरू कर दूंगी सेंटर लेयर लगानी है आपको जितनी आपको इसकी लेयर्स लगानी है आप लगा सकते हैं आप चाहें तो सिर्फ ऊपर से कवर करें ये मेरे पास एक टूल रखा था पिछले चार पाँच साल से लेकिन कभी यूज नहीं हुआ आज कर लिया आप इसकी जगह पर घर में जो कांटा रखा है वो यूज़ करेंगे चॉप्ड आलमंड है मेरे पास अच्छे से बादाम को चॉप करके साइड पर लगा दें ताकि टच आ जाए कॉफी केक का जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है और यकीन जाने ये अभी आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है मुझे बनाए हुए इसको एक घंटा हुआ है जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे बताइएगा ये कैसा बना आई वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह हाफ़िज